हेलो फ्रेंड्स, नीट 2021 की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवा रहा है। उसमें उन्होंने सीट चार्ट रिलीज करा है, ठीक है, 20 जनवरी 2022 को। तो अब उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है 2021 की काउंसलिंग में, इसके साथ साथ जो जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का यदि टोटल सीट करें तो कितना होगा, या हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें होगी, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नीट 2021 की ऑल इंडिया काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है, सीट मैट्रिक्स फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी सब में कितनी सीटें होगी, उसका हम आज पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम आज जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बात करें, तो जैसे सबसे बात करें तो अरुण पटाई जो है, जो मेडिकल कॉलेज होता है, हॉस्पिटल पुडुचेरी जो है, यहाँ पर जो है नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए 23 सीटें रहती है, और टोटल सीटें जो है उसमें 23 दिखाई दे रही है, अकॉर्डिंग टू एमसीसी जो है साइट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक जो यूनिवर्सिटी है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें किस तरीके से क्या सीटें बना रखी है, ठीक है। इस तरीके से इसी यूनिवर्सिटी वेदु मेडिकल कॉलेज होता है, उसमें डीम्ड या एक तरीके से पेड सीट कोटा जो है 127 रहेगा। इस तरीके से एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो होता है चेन्नई, उसके अंदर जो सीटें रहेगी वो एनआरआई जो होते हैं उनके लिए 22 रहेगी, और जो एक तरीके से इंडियन होते हैं रेजिडेंट या एक तरीके से पेड सीट डीम्ड होगी वो 128 रहेगी। सारे डेटा जो दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीसी ही है, तो आप चाहे तो एनसीसी साइट पर जाकर के भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, आप देख जाइए, ठीक है। जैसे 12 यहाँ पर देखेंगे तो अपन डीवाई मेडिकल कॉलेज जो होता है, ठीक है, पुणे, ये थोड़ा सा रेपुटेड कॉलेज होता है। तो यहाँ की अपन बात करें तो डीवाई मेडिकल कॉलेज में एनआरआई के लिए 38 सीटें रहेगी, उस तरीके से जो पेड सीटें रहेगी वो रहेगी 212, टोटल सीटें जो रहेगी यहाँ पर 250 सीटें रहती है, ठीक है। आगे देखें तो डिफरेंट डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हो सकती है एनआरआई के लिए या पेड सीटें, ये भी आपको सारा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सभी कॉलेजों का यूनिवर्सिटी का नाम लेना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप एक लिस्ट देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा सा ये सारा डिटेल समझ में आ जाएगी कितनी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, MGM एजुकेशनल कैंपस जो होता है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर अपन बात करें तो जो नॉन रेसिडेंशियल होते हैं उनके लिए 23 सीटें रिजर्व है, और रेसिडेंशियल जो होते हैं इंडियंस के लिए उनकी बात करें तो 127 सीटें होगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम सीट चार्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी का हमने आपको बता दिया। तो टोटल सीटें जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर तो बात करें तो वो रहेगी 8787 टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर सीटें रहेगी। तो ये 2021 की जो नीट काउंसलिंग चल रही है उसके अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, प्लस उसमें एनआरआई के लिए या पेड सीट डीम्ड की कितनी सीटें होती है, टोटल कितनी सीटें, वो हमने आपको सारा बता दिया। तो 8787 जो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।